नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में म्यूकोरमाइसिस के हजारों मरीज, हैरान कर रहा है डेथ ट्रोल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या 2,33,40,938 हो गई है, जबकि 2,54,197 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं और कोरोना महामारी के बीच नई मुसीबतें और बढ़ रही हैं। डॉक्टरों ने एक और बीमारी जिसका नाम म्यूकोरमाइकोसिस खोजा है। कोरोना के लक्षणों के बीच मरीजों में अब म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस का कहर देश के 3 राज्यों में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में इसके प्रकोप से हाहाकार मचा हुआ है। खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कह चुके हैं कि उनके प्रदेश में म्यूकोरमाइकोसिस के करीब 2000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। गुजरात और राजस्थान में भी इसका प्रकोप फैला है। और आपको बता दें दोस्तों, इस महामारी के मरीज करीब 50% दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में अब इन राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस से पीड़ित मरीजों के इलाज पर फोकस किया जा रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों में एक ब्लैक फंगस भी है, जिसके कारण 50% मरीजों की जान जा रही है। वहीं अगर इससे जान बच भी जाए तो लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। इसके अन्य लक्षण में सिर दर्द, बुखार, आंख नाक में तेज दर्द होना भी बताया जा रहा है। गुजरात और राजस्थान में भी म्यूकोरमाइकोसिस के कई मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात में 100 के करीब केस मिल चुके हैं जिसमें ब्लैक फंगस के लक्षण है। गुजरात के राजकोट में इसके लिए अलग से अस्पताल तैयार किया गया है, जहां पर स्पेशल वार्ड का इंतजाम किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेमडेसिविर टीके की कमी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर की कमी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने रेमडेसिविर के पर्याप्त स्टॉक की खरीद में नाकाम रहने को लेकर केंद्र सरकार को फटकारा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि राज्य को दैनिक आधार पर रेमडेसिविर की 70,000 शीशियों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में केवल 45,000 मिल रही है। इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीएमओ महाराष्ट्र को केंद्र सरकार के एसओपी को लागू करने पर विचार करने के लिए कहा है, जिसमें कहा गया है कि जेल में कैदियों को टीकाकरण किया जा सकता है भले ही उनके पास आधार कार्ड ना हो। हालांकि कैदियों को इसके लिए कोविन ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के जेलों में चिकित्सा अधिकारियों के लगभग 1/3 खाली पदों को भरने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है और कोर्ट ने कहा है कि 1 साल हो चुका है, हम केवल सिविल हॉस्पिटल्स पर निर्भर नहीं रह सकते, सभी जेलों में स्वीकृत पदों पर भर्ती होनी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में फिर बड़ा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में 300 मरीजों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, कुछ दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट के बाद आज फिर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में यहां 13,287 नए COVID-19 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 300 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव रेट भी बढ़कर अब 17.03% पर पहुंच गया है। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इससे एक दिन पहले कोरोना के 12,481 नए मरीज मिले थे, जबकि 347 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी थी और 12 अप्रैल के बाद ये नए मरीजों की सबसे कम संख्या थी। लेकिन आज कोरोना के ग्राफ में एक बार फिर उछाल आया है और 106 अधिक संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय वेरिएंट का विश्व में कोहराम, WHO ने कहा 44 देशों में हुई है पुष्टि। जी हां दोस्तों, भारत में मिले कोरोना वायरस वेरिएंट की पुष्टि विश्व के दर्जन भर देशों में भी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की जानकारी बुधवार को दी है। स्वास्थ्य एजेंसी का मानना है कि भारत में तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों के पीछे B.1.617 वेरिएंट जिम्मेदार है। खास बात यह है कि भारत के अलावा ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। भारत में बीते मार्च के बाद से ही संक्रमण के मामलों का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा था। WHO ने कहा है कि COVID-19 का B.1.617 वेरिएंट WHO के सभी 6 क्षेत्रों में 44 देशों से एक ओपन इंडेक्स डेटाबेस में अपलोड हुए 4500 से ज्यादा सैंपल में पाया गया है। भारत में पहली बार यह वेरिएंट बीते अक्टूबर में मिला था। महामारी पर साप्ताहिक अपडेट में WHO ने कहा कि WHO को 5 अतिरिक्त देशों में भी मामलों की रिपोर्ट मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में संस्था ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न
रन बताया था। आपकी इस जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला भारत कोरोना वायरस महामारी से विश्व का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। पहले स्थान पर अमेरिका का नाम आता है। भारत में बीते कई हफ्तों से प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वही प्रतिदिन करीब 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। वायरस की दूसरी लहर ने राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी कही जाने वाले मुंबई जैसे बड़े शहरों पर भी जकड़ मजबूत बना ली है। WHO ने कहा है कि अब तक भारत में मिले पॉजिटिव केसों का 0.1% ही जेनेटिकली सिक्वेंस्ड किया गया है और GISAID पर अपलोड किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में की सोनिया गांधी राहुल गांधी की तारीफ, कहा विपक्ष को ट्विटर से उतर कर मैदान में आने की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना ने मुखपत्र सामना में संपादकीय में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तारीफ की है। सामना में लिखा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली पराजय को गंभीरता से लेना होगा और उसे उचित सबक सीखते हुए पार्टी को फिर से वैभव दिलाने के लिए वास्तविकता का सामना करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। सोनिया गांधी ने आगे जो कहा है वह महत्वपूर्ण है, पार्टी में आवश्यक सुधार करने होंगे। शिवसेना ने सामना में आगे लिखा कि सोनिया गांधी आज की कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है, इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेना होगा। देश में कोरोना का संकट है, इस वजह से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लगातार तीसरी बार टाल दिया गया है, इसलिए सोनिया गांधी ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाती रहेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा है तब से वह पद अभी तक खाली है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश में बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देगी सरकार, 45,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के दौरान पिछड़ गए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को फिर से गति देने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने फैसला लिया है कि बैटरी स्टोरेज बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्ट्स लिंक इंसेंटिव के तहत आयात कम किया जाएगा, इसके बजाय भारत में इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। इससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में बुधवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि सोलर पावर प्लांट से देश में 1,36,000 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके बावजूद इस बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता, ऐसे में बैटरी स्टोरेज से यह संभव है। सरकार ने कहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा उसको पेट्रोल नहीं लेना होगा। सरकार ने कहा कि शिपिंग उद्योग, डीजल जनरेटर आदि में अपार संभावना है। बैटरी स्टोरेज से जीवन के सभी क्षेत्रों पर असर पड़ता है। देश में इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसमें 45,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें निवेश करने वालों को 16,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। RSS से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने श्रम मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, गरीब मजदूरों के लिए मांगी मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते देश में कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू सहित कई सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश की श्रम शक्ति का अहम हिस्सा देश के मजदूरों के लिए स्थिति पहली लहर जितनी भयावह तो नहीं है, लेकिन उन्हें कोई राहत भी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े मजदूर संघ ने इसे लेकर श्रम मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कोरोना की मार झेल रहे गरीब मजदूरों के लिए तुरंत वित्तीय राहत पैकेज की मांग की गई है। भारतीय मजदूर संघ ने श्रम मंत्री संतोष गंगवार से कोरोना संकट झेल रहे गरीब मजदूरों के लिए तत्काल वित्तीय राहत पैकेज की मांग की है। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विनोद सिन्हा ने श्रम मंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि ESI स्कीम से जुड़े कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज पर हुए खर्च का पूरा पैसा उन्हें रिफंड किया जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी ESI के अस्पतालों और मेडिकल डिस्पेंसरीज में मजदूरों के लिए टीकाकरण मुफ्त हो और जिन मजदूरों की मौत हुई है उनके परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाए। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों के अंतिम संस्कार के लिए राहत राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए की जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मूडीज ने भारत की GDP ग्रोथ अनुमान में की भारी कटौती, बढ़ सकता है सरकार पर कर्ज। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है, ऐसे में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटा दिया है। इसी के साथ उसने सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ने के भी संकेत दिए हैं। एक न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक फरवरी में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अपने आउटलुक में देश की आर्थिक वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13.7% रहने का अनुमान जताया था। इसी के साथ आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष
2020-21 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% की गिरावट रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब कोरोना के चलते उसने अपने इस अनुमान को बदल दिया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 9.3% कर दिया है। यह उसके फरवरी में जताए गए 13.7% के अनुमान से 4.4% कम है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते विभिन्न राज्यों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लगा है। इससे आर्थिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। इसी के चलते उसने ग्रोथ रेट कम किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के खिलाफ न करें गोबर का इस्तेमाल, ब्लैक फंगस जैसी संक्रमण का है खतरा, डॉक्टरों ने जारी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, गुजरात में डॉक्टरों ने तथाकथित गाय के गोबर से उपचार के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि शरीर पर गाय के गोबर का लेप लगाने से कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा नहीं बनेगी, बल्कि इससे म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस समेत दूसरी तरह के संक्रमण हो सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, लोगों का एक समूह यहां श्री स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठान द्वारा संचालित गौशाला में उपचार ले रहा है और उनका मानना है कि इससे COVID-19 के खिलाफ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। SGVP के पदाधिकारियों ने कहा है कि इस गौशाला में 200 से ज्यादा गाय है। उन्होंने कहा कि बीते एक महीने से करीब 15 लोग हर रविवार यहाँ शरीर पर गाय के गोबर और गौमूत्र का लेप लगाने आते हैं, बाद में गाय के दूध से धो दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये उपचार लेने वालों में कुछ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी और दवा की दुकानों पर काम करने वाले लोग हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए चाइना के प्रोफेसर ने हर बच्चे के लिए मांगी 1.15 करोड़ रुपए की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, चीन के एक प्रोफेसर ने सरकार से आग्रह किया है कि वह नवजात शिशुओं के माता पिताओं को प्रत्येक बच्चे की परवरिश के लिए 1 मिलियन युआन यानी करीब 1.15 लाख करोड़ रुपए दे। इसके पीछे उन्होंने बच्चों की परवरिश में होने वाले खर्चे में बढ़ोतरी और देश में कमोती जन्म दर का हवाला दिया है। 2010-2020 के दशक में चीन की आबादी सबसे धीमी दर से बढ़ी है। हाल ही में हुए देश की जनगणना से पता चला है कि देश की घटती वर्कफोर्स बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग कहा, आर्टिकल 370 पर भारत पलटे अपना फैसला। जी हां दोस्तों, आर्थिक रूप से खस्ताहाल हो चुके पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि उनका देश भारत के साथ तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक कश्मीर पर अपना निर्णय भारत पलट नहीं देता है। इमरान खान ने यह बात आर्टिकल 370 समाप्ति के संदर्भ में कही है। आपको बता दें दोस्तों, भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया था। केंद्र सरकार ने राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया था। अब इमरान खान ने एक बार फिर भारत सरकार को उसके निर्णय की याद दिलाते हुए कहा है कि जब तक 5 अगस्त को लिया गया निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम भारत के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर कई राज्यों में बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। बिहार में मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। राजधानी पटना में बादल छाए हुए हैं। इस दौरान आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है जिसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से काफी निजात मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, असम, मेघालय और झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्यों के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और बादल की गर्जना के साथ बारिश और ओले गिर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों मई में 7वीं बार बढ़े पेट्रोल के दाम, कई शहरों में कीमत 100 रुपए के पार। जी हां दोस्तों, कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 25-25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 92.05 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल का दाम 82.61 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं देश के कई ऐसे शहर भी है जहां पर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 229 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से सोने का भाव टूटकर 47,074 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।
HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू बाजार में दाम गिरे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इससे पिछले सत्र में सोना 47,303 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो दोस्तों चांदी के हाजिर भाव में 717 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से चांदी का हाजिर भाव टूटकर 70,807 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव गिरकर $1,832 प्रति ऑन्स पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं चांदी की वैश्विक भाव में भी $27.38 प्रति ऑन्स पर स्थिर ट्रेंड की खबर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 471 पॉइंट गिरकर 48,700 के नीचे बंद, निफ्टी भी 154 पॉइंट गिरा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के शेयर बाजारों में बिकवाली का असर घरेलू बाजार पर भी रहा। सपाट खुला बाजार अंत में भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 471 अंक पॉइंट नीचे गिरकर 48,690 पर और निफ्टी 154 पॉइंट नीचे गिरकर 14,696 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में गिरावट का यह लगातार दूसरा दिन है। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 शेयरों में गिरावट रही, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर और इंडसइंड बैंक के शेयरों में 3-3% से ज्यादा गिरावट दिखी। निवेशकों में सबसे ज्यादा मेटल और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की बिकवाली रही। NSE पर दोनों इंडेक्स 1-1% से ज्यादा गिरे, जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकिंग शेयरों और ऑटो शेयरों में जमकर खरीददारी हुई। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 3% ऊपर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा मोटर्स ने फ्री सर्विस का समय बढ़ाया, अब जून तक बढ़ गई कारों की वारंटी। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर्स व्हीकल के ग्राहकों को राहत दी है। कंपनी ने अब वारंटी और फ्री सर्विस के समय को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जिन ग्राहकों के गाड़ियों की वारंटी 1 अप्रैल और 30 मई तक समाप्त हो रही थी, वे अब 30 जून तक इसे ले सकते हैं। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते असर और लॉकडाउन की वजह से यह फैसला लिया गया है। ढेर सारे ग्राहक मेंटेनेंस की सेवाओं को नहीं ले पाए, ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि ग्राहकों को गाड़ियों की बिक्री के बाद आसान और झंझट मुक्त सेवा देने का फैसला अच्छा है। इसके तहत वारंटी और फ्री सर्विस के समय को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि समय के अलावा किलोमीटर को नहीं बढ़ाया गया है, यानी किलोमीटर अगर अपनी शर्तों के तहत पूरा कर लिया है तो फिर आपको यह फायदा नहीं मिलेगा। टाटा मोटर्स ने कहा है कि COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए पूरे देश में ग्राहक अपनी गाड़ियों को सर्विस सेंटर पर नहीं भेज पा रहे हैं। इससे उनकी गाड़ियों का मेंटेनेंस और रिपेयर नहीं हो पा रहा है, और इसी चीज को देखते हुए टाटा मोटर्स ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।